नमस्कार, मैं भरत कुमार। बहुत स्टूडेंट्स के कॉल वगैरह आ रहे हैं कि CBT 1 CBT 2 क्या है, और जो हमारा जो टेक्निकल वाला पेपर होगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सभी के लिए मिक्सिंग पेपर आएगा। मतलब जो 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल में, ये जो टेक्निकल है इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो सभी ब्रांच का मिक्सिंग आएगा, या फिर सिविल के लिए सिर्फ सिविल के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन्स है, तो एक बार मैं वापस से थोड़ा बता देता हूँ उसके लिए, है ना। अलग बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल वगैरह आ रहे, तो उनको अलग अलग बताने से अच्छा है कि एक साथ बता दूँ, तो वो सभी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखो, उसमें CBT 1 जो एग्ज़ाम लगेगी उसमें हमारे पास चार जो स्ट्रीम है, अलग अलग स्ट्रीम है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। CBT 1 में जो पास हो जाएंगे उनका फिर CBT 2 लगेगा, जो सेकंड, मतलब ये प्री और मेन। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नाम है, लेकिन वही है, ये प्री है और ये मेन है। मतलब प्री और मेन का चक्कर कर रखा है इस बार भी रेलवे ने जूनियर इंजीनियर वाले एग्जाम में। तो इसमें जो CBT 1 लगेगा, मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लगेगी, उसमें हमारे पास CBT 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का हो गया। और जो टाइम मिलेगा वो हमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट मतलब कितने हो गए, मतलब डेढ़ घंटा हो गया, एक घंटा और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, मैथ मतलब जो क्वांट वाली मैथ है, ओके, जो वो जो क्वेश्चन आते हैं ना प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन, वो उधर क्वांट वाली मैथ आएगी, जो एप्टीट्यूड होता है ना वो वाली मैथ आएगी। ठीक है, अभी सिलेबस बता दूंगा आपको। मैथ आएगी 30 क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो हमारी इसको ये मैथ के लिए लड़के से समझ रहे हैं कि ये जो मैथ आएगी वो जनरल, वो जो इंजीनियरिंग वाली मैथ आएगी वो वाली नहीं आएगी, जो एप्टीट्यूड होता है ना वो वाली मैथ आएगी, ओके। उसके बाद में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, करंट अफेयर वगैरह के, और फिर 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। इनमें जो पास होंगे, अब देखो आप, इसका जो सिलेबस है वो ये है, ठीक है। देखो ये मैथमेटिक्स में, देखो ये आएगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस वगैरह, प्रॉफिट लॉस भी होगा इसमें। देखो ये रहा प्रॉफिट लॉस, एलजेआर, ज्योमेट्री वगैरह, ये जो एप्टीट्यूड वाली मैथमेटिक्स होती है वो आएगी। जनरल अवेयरनेस में आएगा ही जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आएगा, और जनरल साइंस में जो साइंस होती है, और जो ये जनरल साइंस आएगी बिल्कुल हाई लेवल की नहीं आएगी, 10th स्टैंडर्ड का जो CBSE सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आएगी, ओके। और फिर दूसरी बात, इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, देखो जो अनरिजर्व है मतलब जनरल वगैरह के लिए 40% लाना जरूरी है मार्क्स। इसके बाद में जो कट ऑफ जाएगी वो तो RRB डिसाइड करेगा एग्जाम लगने के बाद में, लेकिन ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अगर इन नंबरों से अगर किसी के कम आएंगे, कैटेगरी वाइज किसी के कम आएंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होगा CBT 2 एग्जाम के लिए, मतलब मेन एग्जामिनेशन के लिए। ये तो मिनिमम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 40% किसी के नंबर आ जाएंगे तो वो पास हो ही जाएगा, उसके बाद में कट ऑफ डिसाइड होगी बाद में। ये तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है। तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल वगैरह अनरिजर्व के लिए 40% है, OBC और SC के लिए 30% सेम है दोनों के लिए, और ST के लिए 5% और कम है, मतलब 25% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। और इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये सिलेबस रहेगा। ज़्यादा कुछ 10th स्टैंडर्ड का आएगा, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगी जनरल साइंस वगैरह। इसके बाद में फिर CBT 1 में जो पास हो जाएंगे उनका फिर ये मेन एग्जामिनेशन लगेगा, मतलब CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, और टाइम मिलेगा हमें 120 मिनट का, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएंगे। देखो तो जनरल अवेयरनेस की हमारे CBT 1 में जो तैयारी होगी वही हमारी इसमें भी काम आएगी थोड़ी बहुत। उसके बाद में जो बीच का इंटरवल रहेगा दोनों एग्जामिनेशन के, उसका करंट अफेयर हमें और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। फिर एक बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, ये भी बेसिक आएगी, वही 10th स्टैंडर्ड तक की आएगी। फिर जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड, जो जनरल कंप्यूटर में ऑटोकैड वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उससे जनरल जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। फिर आएगी एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जनरल एनवायरनमेंट। अब देखो जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग है, उस सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट चलती है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें एक चैप्टर है वही है ये पोल्यूशन कंट्रोल वाला। तो ये इससे जो तैयारी सिविल की कर रहे होंगे, सिविल बैकग्राउंड से होंगे, उनकी ये एनवायरनमेंट वाली इस सब्जेक्ट की तैयारी तो खुद ब खुद ही हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लेकिन उनको फील आने लग जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद में टेक्निकल वाला पेपर लगेगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल वाले में। अब देखो इसमें अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, कब इसमें मिक्सिंग नहीं होगा, जैसे पिछली बार हुआ था मिक्सिंग हुआ था, हर ब्रांच के मिक्सिंग क्वेश्चन आए थे। मतलब जो सिविल वाला था उसको इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी आए थे उसके पेपर में, मैकेनिकल के भी आए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, अलग अलग स्ट्रीम कर दिया। जैसे इसमें देखो CSIT का अलग है, CMA का अलग है। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के लिए 100 क्वेश्चन मैकेनिकल वाले ही आएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए उनके आएंगे, सिविल के लिए सिविल के आएंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे अलग अलग पेपर्स आएंगे। अब इसका सिलेबस देख लो, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो भी इसमें सेम है, ठीक है। ये CBT 1 CBT 2 ये रहा।
सीबी टू टू देख लो सिलेबस के बारे ढंग से दिखा देता हूँ। जनरल अवेयरनेस वही आएगी जो पेपर फर्स्ट वाली थी, ठीक है। फिर बेसिक केमिस्ट्री आएगी 10th स्टैंडर्ड तक की आएगी, कोई हाई लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगी इसमें, ठीक है। फिर कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वगैरह जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह है। फिर पोल्यूशन से रिलेटेड एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट आएगी। फिर टेक्निकल पेपर आएगा जो टेक्निकल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चंस आएंगे, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो इसमें भी वही है, 40% अनरिजर्व के लिए, ओबीसी और एससी के लिए सेम है 30%, और एसटी के लिए 25% है, ठीक है। इसके बाद में जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात क्या थी, बस इतना ही बताना था आई थिंक मुझे, ठीक है। इसमें फिर बस ये इतना ही है, ठीक है, इतना ही बताना था मुझे। ये स्ट्रीम है, आप इसको देख लो अच्छे तरीके से, यही है पूरा पैटर्न, ये रहेगा, ठीक है। सीबीटी 1 लगेगी, देन सीबीटी 2 लगेगी, इसमें जो पासिंग मार्क्स है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर सीबीटी 2 लगेगी, इसमें भी जो है स्ट्रीम, फिर अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे। यही मुझे बताना था, यही डाउट थे बार बार, लड़के फ़ोन भी करते रहते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी करते रहते हैं कि एक बार ठीक से समझा दो सर, कॉल भी करते हैं फिर सर कॉल करके मैं पूछता हूँ आपसे, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें हमारे इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो सारा कुछ पढ़ते ही हैं। और अच्छा एक बात और, इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे तो ये देखो एक नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो एक नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसको लगा दिया, मतलब वैसे नहीं आएंगे जैसे लंबे लंबे कुछ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ज़्यादा, और वैसे आप भी जाए तो दो चार क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे उसमें, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे जैसे जनरल साइंस, जैसे करंट अफेयर के या फिर नॉन टेक्निकल पेपर होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और अगर पता होगा तो आप लगा दोगे और नहीं पता तो नहीं लगाओगे। इसमें जो टेक्निकल में जो भी हर एक स्ट्रीम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जनरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड आएंगे, ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इस चैनल पर जो सिविल इंजीनियरिंग के जो वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं उसमें से जो सिर्फ थ्योरी पार्ट है नोट्स के, वो थ्योरी पार्ट्स पढ़ना है, उसमें क्वेश्चंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो वो टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका, तो आप बस थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो। जो जनरल इंजीनियरिंग है वैसे क्वेश्चंस याद करने की, जो याद करने के क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस भी आप याद करना, क्योंकि वही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यही मुझे बताना था। ओके, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।